छुटकारा, देखा सबने। तो ये बात कि भाई ये जो है संविधान खत्म करेंगे तो सभी झूठ बात थी, तो आप लोगों ने झूठ चला रखी थी। अच्छी बात सच्चाई बात। कांग्रेस का हाथ छोड़ते ही और भाजपा का दामन थामते ही किरण चौधरी के सुर और तेवर दोनों बदल गए। लोकसभा चुनाव के दौरान जो किरण चौधरी भाजपा को झूठी पार्टी और पीएम मोदी को संविधान और लोकतंत्र का विरोधी कहती थी, आज वही किरण चौधरी के सुर भाजपा और पीएम मोदी को लेकर कैसे और कितने बदल गए, जरा एक बार फिर से सुनिए। और हमारे वर्ग के अंदर जाएंगे तो भाई सारी नीतियाँ वीतियाँ ये सारी की सारी सही भी करेंगे। और देखा आपने कि पिछले ये जब से ये चुनाव खत्म हुआ है, सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने संविधान उठाकर वो छुटकारा, देखा सबने। तो ये बात कि भाई ये जो है संविधान खत्म करेंगे तो सभी झूठ बात थी, तो आप लोगों ने झूठ चला रखी थी। अच्छी बात सच्चाई बात उन्होंने सबसे पहले क्या साइन करा, किसान निधि का 17,000 करोड़ रुपया इसके लिए करा, किसानों के लिए करा। तो जब ये बात देखी ना मैंने कि भाई ये तो अब जो है बिल्कुल सही रास्ते के ऊपर चलना शुरू हो गए, फिर मेरे दिमाग में आई भाई। पूरे लोकसभा चुनाव के दौरान किरण चौधरी ने भाजपा और मोदी को संविधान और लोकतंत्र विरोधी बताया, और अब कार्यकर्ताओं के बीच हंसते हुए किरण चौधरी खुद को ही झूठा करार देने में भी पीछे नहीं हटी। उन्होंने कहा कि चुनाव खत्म होते ही पीएम मोदी संविधान को माथे पर लगाकर ये संदेश दिया कि वो संविधान को खत्म नहीं करेंगे, और आज मैं भी सच बोलूंगी कि चुनाव में हमने झूठा प्रचार किया था कि भाजपा संविधान खत्म कर देगी। इतना ही नहीं, भिवानी स्थित अपने कोठी पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए किरण चौधरी ने इस मौके पर भाजपा की उन तमाम नीतियों का भी जिक्र किया जिनके विरोध में किरण सड़क से लेकर संसद तक आवाज उठाती आई हैं। वो जो है उसको 7-8 महीने का करने जा रहे हैं, 8 साल और साथ के साथ उसको शहीद का दर्जा भी मिलेगा। वैसे भी जो है वैसे भी जो सिपाही भर्ती होता था वो 10 साल से ऊपर नहीं, फिर उसको रिटायर कर देते, मेरा ही है काम। तो ये काम भी हो गया भाई अपना, हो गया नहीं हो गया, राजी हो नहीं राजी, हम तो खुश हो गया भाई। MSP भी मिल गई, किसान निधि भी आ रही है, ये बताओ किस किस के खाते में आई है निधि, नहीं आई, सबके आ रही है, सबका आ रही है, किसान निधि भी आ रही है, का पैसा आ गया, और भाई हमने हम इनको बताएंगे और जनता का हित जो है वो आगे रखेंगे, समझ रहे हो। सरपंचों का भी कर दिया, सरपंचों का भी 10 लाख रुपए कर दिया, डबल कर दिया जी, हमारे टाइम पे 10 लाख ही था, 10 लाख कर दिया सर, हमारे टाइम पे 10 लाख ही था। वो तो न्यारी बात ये थी कि मैं ज्यादा के मंत्री थी, सबने दे आती थी ना। और फिर रजिस्ट्री जो है वो खोल दी जी, कितनी रजिस्ट्री, मतलब चाहे एक एकड़ के प्लॉट में कितनी रजिस्ट्री, वो भी पुराने रेट सारा जो ये पोर्टल पार्टल वाला सौदा करा था वो भी हमने कहा जी महाराज जो ये जो है पोर्टल पार्टल तो हो गया, बढ़िया कर दिया, उसका भी काम शुरू हो गया, ठीक है ना। तो काम तो सारे के सारे जिसको जो जिस पे हम बोला करते थे, विरोध करते थे, वो सारा विरोध इन्होंने खत्म कर दिया, कर दिया नहीं कर दिया। और भाई मेरे ख्याल उस दिन जिस दिन ज्वाइनिंग हुई दोनों मुख्यमंत्री साथ में इतने मान सम्मान के साथ लेकर आए, उसके बाद अमित शाह जी से मिलवाया, प्रधानमंत्री जी से मिलने जाऊंगी मैं, यहाँ पे मैंने सोचा पहले आ जाऊँ। किरण चौधरी ने कहा कि भाजपा तो बहुत ही अच्छी पार्टी है, मैंने भाजपा का दफ्तर देखा तो हैरान रह गई, भाजपा के नेता सारे काम करने वाले हैं,
भाजपा जो कहती है वो करती भी है, और मुझे पूरा विश्वास है कि जो भी वादे मुझसे किए गए हैं वो जरूर पूरे होंगे। बहुत बढ़िया पार्टी है भाई, ठीक है। मैंने तो इसका दफ्तर देखा, इसका दफ्तर है आगे की जो है 100 साल की सोच है आगे की। हमारी तो पार्टी आप हो जी, और काम करने वाले लोग हैं, और भाई जहाँ ऐसे लोग हैं कि जो काम करेगा उसको आगे बढ़ाते हैं, काटते नहीं है। ये है कहानी सबसे बड़ी, ये चुप्पी है इस पर। हम तो काम करने वाले लोग हैं, अब हम काम करें और हमें नीचे नीचे हमारे ही पांव काटे जाओ तो भाई क्यों कर काम चलेगा, बताओ भाई क्यों चले ना। तो इसलिए मैं जो बात कह रही हूँ आप समझ जाओ, बहुत विधिवत ये प्रभु के ऊपर का इशारा था, नहीं तो ये होने वाली बात नहीं थी। और इतने मान सम्मान के साथ लेकर आए हैं, ज्यादा नहीं बोलूंगी मैं आज, लेकिन हम सारे खुद हो गए और सारा जी राजी हो जाएगा। किरण चौधरी ने अपने कार्यकर्ताओं से एकजुट होने की अपील की और कहा कि एक वक्त था कि जब हमने हवीपा का विलय कांग्रेस में किया था तो 67 सीटें आई थी, इसलिए अब की बार इतनी मेहनत करनी है कि 70 विधानसभा सीटों पर भाजपा का कमल खिले। बता दें कि 4 दशकों तक कांग्रेस में रही पूर्व सीएम बंसीलाल की पुत्र वधु किरण चौधरी बीते दिनों भाजपा में शामिल हो गयी, जिसके बाद भाजपा के प्रति किरण के सुर और तेवर दोनों बदल गए हैं। अब किरण के निशाने पर कांग्रेस पार्टी आ गई है। भिवानी से अशोक भारद्वाज, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।